हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे चैनल रूरल इंडिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स आप? फ्रेंड्स आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो मैं आज अपने लड्डू गोपाल के लिए एक ड्रेस बनाने जा रही हूँ। मैंने उसके लिए इस तरह की वूल ली है, ये 3 प्लाई वूल है। ये देखिए 3 धागे हैं इसमें, ये देखिए 3 धागे हैं इसमें। थोड़ा बनाने में मुश्किल आती है क्योंकि कई बार धागा आगे पीछे हो जाता है। और मैंने 11 नंबर इसमें सिलाई ले रखी है, ये मैंने 11 नंबर सिलाई ली है इसके लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, और एक ग्रीन कलर की ऊन ली है जो बिल्कुल सिंपल सी ऊन है। इसका भी थोड़ा सा डिजाइन डालूंगी लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए। ये देखिए, क्योंकि सर्दी आ चुकी है तो हमें लड्डू गोपाल के लिए भी बड़ी बढ़िया सी ड्रेस बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह की मैं ड्रेस बना के बताऊंगी आपको कि किस तरह ये ड्रेस बनी हुई है। ये देखिए, ये लड्डू गोपाल की ड्रेस है। ये देखिए, इसे हम पोंचू भी बोलते हैं। ये देखिए बैक साइड से इस तरह है, टोपी भी साथ में है। लड्डू गोपाल के लिए पोंचू बना के रखा हुआ है। ये देखिए नीचे से डिजाइन डाला हुआ है। ये देखिए, और ये निक्कर है, ये छोटी सी निक्कर भी बनाई हुई है मैंने लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि बहुत ठंड है तो इसके लिए लड्डू गोपाल के लिए मैंने पहले भी एक ड्रेस बनाई हुई है। मैंने अपने ब्लॉग में डाला हुआ है कि एक ड्रेस बनाई हुई है, तो मैं अब दोबारा से इस सर्दियों में भी एक ड्रेस बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी इस ड्रेस के लिए ट्राई अवश्य करें। तो फ्रेंड्स आप, मैं देरी ना करती हूँ, बताती हूँ कि मैंने ये ड्रेस किस तरह बनाई हुई है। मैं स्टेप बाय स्टेप इस ड्रेस को बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स नए सीखने वाले भी इस ड्रेस को आसानी से बना सकते हैं। तो फिर फ्रेंड देखिए मेरी ये नई ड्रेस किस तरह बनी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, कान्हा भगवान के जो ड्रेस बन रही है उसका पार्ट वन मैंने एक बना के रखा है। इसी तरह दूसरा पार्ट बनाऊंगी, फिर इस तरह इसको जोड़ेंगे। तो मैं इसको बना के आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह ये बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने 22 फंदे डाल रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 22 फंदे मैंने डाल रखे हैं। तीन फंदे, चार फंदे, एक दो तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। ये देखिए 22 फंदे डाल रखे हैं। अब मैं उल्टी तरफ से एक सिलाई बना के आपको बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से मैंने एक रो बना ली है। अब ये सीधी तरफ है, तो सीधी तरफ से भी हमने पहला फंदा उतार लिया, धागा अंदर किया इस तरह। ये पूरे फंदे आपने उल्टे करके बनाने हैं इस तरह आपने। ये हमारी राइट साइड से एक उल्टी रो बन गई, एक राइट साइड से हमारी ये भी उल्टी रो है, ये सेकंड रो है राइट साइड से।
ये देखिए ये हमने सेकेंड रो बना ली। थर्ड रो और रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतार लिया। अब इस रो को भी आपने पूरे उल्टे फंदे बनाने हैं। ये हमारी थर्ड रो बन गई। फोर्थ रो राइट साइड से पहला फंदा उतारा। ये भी पूरी रो आपने उल्टी करके बनानी है। ये हमारी फोर्थ रो बन के ये देखिए दो लाइनें ये बन गई। अब फिफ्थ रो रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से फ्रेंड्स हमने दूसरा धागा इस्तेमाल करना है। ये देखिए दूसरा धागा हम इसमें ग्रीन यूज करेंगे। ये देखिए ग्रीन धागा है। तो पहला फंदा हमने उतार लिया। फिर ये देखिए कभी भी धागा ऐसी लाइनें बनानी हो तो धागा हमने ये वाले धागा लगाना, तो उल्टी तरफ से धागा लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह हमने पूरे फंदे उल्टे करके ग्रीन कलर से बनाने हैं। मैं इस धागे को भी आपस में दबा लूं ताकि ऐसे धागा अच्छा नहीं लगता है। ये पूरी रो आपने रॉन्ग साइड से उल्टी करके बनानी है। ये देखिए पूरी रो आपने उल्टी, देखिए इस तरह। सिक्स रो राइट साइड से। अब हमारा ग्रीन धागा लगा तो ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा अंदर किया। अब देखिए एक दो ये तीन, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दस फंदे हमने बना लिए। देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, और यहां कितने रहे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस बारह, ये दस, मैंने 22 फंदे डाले हैं तो 10 फंदे ये और ये बीच वाला फंदा। अब देखिए धागा अपनी तरफ रखना है और इस तरह इसमें जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाना है। फिर धागा अंदर करना है, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाना है। ये दो बार इस तरह बनाना है आपने, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, जाली डालते हुए फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अंदर करके 10 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये 10, इस तरह 10 फंदे हमारे उल्टे बन गए। ठीक है, ये देखिए अब हमने फिर दोबारा ये वाला धागा लगाना है। ठीक है, तो पहला फंदा उतार लिया, धागा अंदर किया है, ये वाला धागा लगाना है। तो पूरी रो हमने रॉन्ग साइड से जो रो है हमारी वो पूरी उल्टी बनेगी। ये देखिए
ये देखिए ये फंदा उल्टा है, ये जाली बनी है, इसको भी हमने बना लेना है। एक फंदा ये है, एक जाली ये बनी है, इसको भी हमने बना लेना है। उल्टा करके इसको बनाना है इस तरह आपने। अब हमने ये देखिए इसी धागे को दूसरी सिलाई बनानी है सीधी तरफ से, ठीक है। पहला फंदा उतारा, धागा अंदर किया, एक ये हो गए, एक दो, ये तीन, ये चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। अब एक जो है हमने पिछली बार बढ़ाया था तो हो गए ग्यारह। फिर धागा अपनी तरफ रखना है, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर धागा अंदर करना है, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर धागा अंदर करके अब यहां भी हमारे ग्यारह फंदे होंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये हमारा ग्यारह, ठीक है। ये ग्यारह फंदे देखिए। अब हमने फिर ग्रीन धागा यूज करना, ठीक है। ग्रीन धागे की हमने पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ग्रीन धागे की पूरी रो बना ली है, जो जाली वाले फंदे थे वो भी अलग से बना लिए हैं, ठीक है। अब हमारा ये राइट साइड से आया ग्रीन वाला धागा लगाएंगे हम, क्योंकि पहला फंदा उतार लिया। ये एक दो, दो फंदे हो गए, तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। ये देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, पिछली बार हमारे ग्यारह थे, अब हमारे यहां बारह फंदे हो गए। अब देखिए धागा अपनी तरफ रखना है, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर धागा अंदर करना है, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर धागा अंदर करके अब यहां भी बारह फंदे होने चाहिए हमारे। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, इस तरह हमारे यहां भी बारह फंदे होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अब हम रॉन्ग साइड से ये वाला धागा यूज करेंगे, दूसरा कलर लाइट कलर यूज करेंगे। अब इसकी पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, ठीक है। सीधी तरफ से हमने जाली डालनी है और ये देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार, चार बार हमने चार धारियां हमने ग्रीन कलर की बनानी है। उसके बाद में आपको ये देखिए एक दो तीन चार, उसके बाद में ये डिजाइन बनाने बताऊंगी कि किस तरह ये डिजाइन मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक दो तीन चार, ये देखिए एक दो तीन चार ग्रीन वाले बना लिए हैं। अब ये देखिए, अब मैं ग्रे कलर की मैंने एक सिलाई उल्टी बना दी है। अब ये पूरी रो हम राइट साइड से भी उल्टी बनाएंगे। अब बीच में फंदे बढ़कर कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह, ये सतारह फंदे हमारे हो गए। और ये इस तरह हमने, ये हमारे अठारह फंदे हो गए और एक फंदा सीधा। ये देखिए एक फंदा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस
11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 17 और एक फंदा यहाँ जाली का बना, 18 फंदे ये हो गए। अब देखिए, अब इसकी भी मैंने दो सिलाइयाँ बना दी, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, ये वाला डिजाइन बनाना है, ये देखिए ये वाला डिजाइन बना, ये देखिए। अब ये फंदा हमने इस तरह ले लिया, फिर धागा अंदर कर लिया इस तरह, एक फंदा उल्टा बना लिया, ठीक है। अब हमने इस तरह सिलाई को पलट लिया, ये देखिए इस तरह पलट लिया, फिर हमने धागा अंदर किया। अब इस फंदे को भी बना लिया और इस फंदे को भी इस तरह बना लिया, फिर सिलाई को पलट दिया इस तरह, फिर धागा फंदा लिया, फंदा ये देखिए फंदा उतारा, धागा अंदर किया। अब ये देखिए, पहले हमने एक फंदा बनाया था, अब एक फंदा और बना लेंगे, ये अब तीन फंदे हो गए, ठीक है। तीन फंदे होने के बाद फिर हम सिलाई को पलट देंगे इस तरह, फिर धागा अंदर करेंगे, ये देखिए एक दो ये तीन, ठीक है। अब फिर हम इसको इस तरह पलट देंगे। अब देखिए, एक फंदा उतार ली, एक हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, अब एक फंदा हम और ले लेंगे, चार हो गए, ये देखिए चार फंदे हो गए। फिर हम इसको इस तरह पलट देंगे, अब सीधी तरफ ले आए हम, ठीक है। अब देखिए, फिर इसको हम दोबारा एक दो तीन ये चार फंदे हम सीधे बना लेंगे इस तरह, ये देखिए इस तरह, ठीक है। फिर हम दोबारा इसको पलट देंगे, उल्टी तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दो फंदों को ये देखिए इस तरह एक कर देंगे, फिर धागा इसको इस फंदे को इसमें डाल के ये दो फंदे कम कर दिए हमने, फिर इस फंदे को इसमें डाल के ये तीन फंदे कम कर दिए और एक फंदा ये रहने दिया। अब एक फंदा रह गया इसमें, अब आगे हम एक फंदा और सीधा बना लेंगे, उल्टा बना लेंगे, ठीक है। एक फंदा रह गया था, एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, दो फंदे हो गए, ठीक है। अब फिर हम सिलाई पलट लेंगे, सीधी तरफ ले आएंगे इसको। अब फिर ये देखिए इस तरह, अब हम दोबारा एक इस फंदे को बना लेंगे और इस फंदे को, दो फंदे बन गए, ठीक है। अब फिर हम सिलाई पलट लेंगे, उल्टी तरफ ले आएंगे। उल्टी तरफ लाने के बाद देखिए, इस तरह हम फंदा उतारा, फिर धागा अंदर किया, ये दो फंदे हैं, इस फंदे को बनाया, अब एक फंदा और ले लेंगे, अब ये तीन फंदे हो गए, ठीक है, तीन फंदे हो गए। अब फिर हम इस सिलाई को इस तरह पलट देंगे, राइट साइड की तरफ ले आएंगे, फिर हम ये देखिए इस धागे को अंदर ले आएंगे। अब तीनों फंदों को हम राइट साइड से उल्टा करके इस तरह बना लेंगे, ये देखिए इस तरह हमने बना लिए, ठीक है। अब फिर हम पलट देंगे इसको, अब पलट के फिर फंदा उतारा और धागा अपनी तरफ कर लिया, फिर देखिए एक ये हो गया, एक ये दो हो गए, अब ये तीन, अब एक फंदा हम और ले लेंगे, चार, ये देखिए चार फंदे हो गए। अब फिर इसको पलट देंगे हम, चार फंदे होने पर पलट देंगे, फिर हम दोबारा धागा अंदर करके इन चारों फंदों को इस तरह एक दो तीन ये चार, चारों फंदों को हम फिर राइट साइड से उल्टा करके बना लेंगे, देखिए हमने बना लिए, फिर हम पलट देंगे इसको। अब ये हमारे चार फंदे हैं, तो हमने क्या करना है, इस तरह दो फंदों का एक कर देंगे, ये देखिए दो फंदों का हम एक कर देंगे, फिर इस फंदे को हम इसमें ले लेंगे, एक धागा छूट गया फ्रेंड्स मेरा, तो फिर बनाते हैं इसको, ये देखिए, ये हमारे दो फंदे हैं, तो हम इन दो फंदों का एक करेंगे इस तरह एक, फिर हम इस फंदे को और इस फंदे को, इस फंदे को इस सिलाई में लेके ये हमारे दो फंदे कम हो गए, फिर इस फंदे को ये इस फंदे से लेना है, ये तीन फंदे हमने घटा दिए और एक फंदा हमारा रह गया। फिर आगे से हमने
एक फंदा उल्टा और ले लेना है। फिर हमने इस सिलाई को, ये तीसरी बार बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने इस तरह बदल लेना है, ठीक है। बदलने पर आपने धागा अंदर करना है, ठीक है। फिर ये दो फंदे आपने राइट साइड से उल्टे करके बनाने हैं, फिर आपने फिर रोंग साइड से ले आना है, ठीक है। रोंग साइड से लाने के बाद आपने पहला फंदा उतार लेना, धागा अंदर करना है, ठीक है। अब ये एक फंदा है हमारा, ये हो गए, इसको मिला के दो, अब ये एक फंदा हमने और ले लिया, तीन फंदे हो गए। अब फिर हम सिलाई को पलट लेंगे, इस तरह हम सिलाई को पलट लेंगे, ठीक है। पलटने के बाद ये देखिए, एक दो तीन, ये तीन हो गए, ठीक है। फिर हम दोबारा उल्टी तरफ ले आएंगे, उल्टी तरफ लाने के बाद इस फंदे को उतार लेंगे और धागा अंदर ले आएंगे। ये एक फंदा हो गया, अब ये दो फंदे हो गए, अब ये हमारा तीसरा फंदा हो गया, अब एक फंदा और ले लेंगे, चार फंदे हो गए, ये देखिए एक दो तीन चार। अब फिर हम पलट लेंगे, ठीक है। पलटने के बाद हम इसको एक दो तीन चार, चार फंदे हमारे ये हो गए। अब हमने क्या करना है, ये देख पलट लिया हमने, ये चार फंदे हैं, चार फंदों में हमने क्या करना है, दो फंदों का एक करना है इस तरह। फिर इस फंदे को दोबारा इसमें लेके आगे, एक फंदा हमारा कम हो गया, अब हमारा दूसरा फंदा कम हो गया, फिर इस फंदे को इसके साथ लेके इन दोनों को एक करना, तीन फंदे हमारे कम हो गए और एक फंदा हमारा रह गया। इसी तरह हमने देखिए एक फंदा हमने और ले लिया, ठीक है। इसी तरह आपने ये देखिए, इस तरह आपका बबल बबल से आएंगे, ये वाला डिजाइन जो इस तरह बनेगा, मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ भी ये वाला डिजाइन जो है बना दिया। अब ये लास्ट में रहा, देखिए फ्रेंड्स, ये दो फंदे, एक फंदा उल्टा बनाया, दूसरा उल्टा बनाया, फिर सिलाई पलट ली। पलटने के बाद फ्रेंड्स एक फंदा उतार लिया, धागा अंदर किया, अब एक, अब ये तीन फंदे हो गए, ठीक है। अब फिर सिलाई हमने पलट दी, दोनों तरफ से पलट के बनता है, ये देखिए एक दो तीन, ठीक है। अब हमने फिर सिलाई पलट ली, अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक दो, ये एक दो तीन चार हो गए, ठीक है। चार होने के बाद फिर धागा, चारों फंदों को हमने सीधी तरफ से एक दो तीन और ये चार, फिर हमने इस तरह पलट दिया और ये देखिए चार फंदे होने पर ये दो फंदों का एक किया, एक फंदा कम हो गया, ये दो फंदे कम हो गए, ये तीन फंदे कम हो गए, इस तरह बन रहा था। अब ये एक फंदा लास्ट में रहा, इसको हम यहीं ऐसे, ये देखिए एक बार कर देंगे। अब हम धागा को यहां से काट के निकाल लेंगे, ये देखिए हम इस तरह, ये देखिए ये दूसरा भी हमारा, ये देखिए एक बना और ये दूसरा भी उस तरह, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि ऊपर वाली टोपी कैसे बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 22 फंदे डाल रखे हैं, वन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस,
क्योंकि हमने यहाँ भी 22 फंदे डाले हैं, तो टोपी में भी ऊपर हमें 22 ही फंदे डालने होंगे। ठीक है, पहली रो जो है रॉन्ग साइड से, ये देखिए इस तरह, ये पूरी रो हमने उल्टी करके बनानी है। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से बनने के बाद ये सेकेंड रो है जो, ये देखिए 22 फंदे हैं, सेकेंड रो जो है राइट साइड से पहला फंदा उतारा, ये रो जो हमने उल्टी करके बनानी है। इस तरह पूरे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। टोपी में मैं एक ही कलर यूज करूंगी, ये वाला लाइट कलर यूज करूंगी, दूसरा कलर नहीं लगाऊंगी, एक ही कलर की टोपी बनाऊंगी। ये देखिए इसी तरह हमने, ये देखिए पूरी सिलाइयां उल्टी उल्टी करके बनानी है, उल्टी तरफ से भी उल्टी बनानी है और सीधी तरफ से भी उल्टी बनानी है, तो मैं उल्टी बना के आपको बताऊंगी। ये देखिए 6 धारी हमारी बन गई, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे ये बैक साइड है, तो हमने 22 फंदे डाले हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहां भी 11 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इनको इस तरह ऐसे करेंगे। अब ये सारे फंदों को हमने एक एक करके इनकी घटाई करनी है इस तरह। इस फंदे को, इसकी अब ये वाला फंदा, और ये इस तरह से इसकी घटाई करनी है, और ये वाला फंदा इस तरह से। इस तरीके से हमारी, ये देखिए ये टोपी इस तरीके। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लड्डू गोपाल के लिए अब छोटी सी निक्कर बना रही हूँ, पैंट बना रही हूँ। तो मैंने इसमें 32 फंदे डाले हैं, एक सिलाई मैंने और उल्टी तरफ से बना दी है, तो ये सीधी तरफ है, सीधी तरफ से भी हम पूरी सिलाई को अंदर की तरफ उल्टी करके ही बनाएंगे। इसी तरह हमने और लड्डू गोपाल की पैंट जो है, मैं उसे भी इसी एक ही कलर से बनाऊंगी, जिस तरह मैंने टोपी में एक ही कलर लगाया है, उसी तरह इसमें भी एक ही कलर की बनाऊंगी। इसमें मैंने 32 फंदे डाल रखे हैं फ्रेंड्स।
ये देखिए, ये पूरी रो मैंने उल्टी करके इस तरह बना ली। ये देखिए इस तरह, ये हमारी सेकंड रो बनी है राइट साइड से। अब थर्ड रो रॉन्ग साइड से। इसी तरह हमने ये टोटल 6 सिलाइयां बनानी है, जो मैंने 2 सिलाइयां बना दी, 4 सिलाइयां और बना के मैं फिर आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 6 सिलाइयां, ये देखिए 6 सिलाइयां बना ली है, 1, 2, 3 और ये रॉन्ग साइड से 7 सिलाई है, जो मैंने 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे यहाँ बना लिए हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये 16 फंदे जो हैं हम इनको ही बनाएंगे और 16 फंदे को बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने सिलाई यहाँ से मोड़ ली, अब यही 16 फंदे हम यहाँ 6 सिलाइयां हम बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए एक सिलाई पूरी बना ली। अब ये रॉन्ग साइड से, अब ये फंदे मैं पूरे आपस में घटा दूंगी इनको इस तरह। एक फंदा उल्टा बनाया और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार दी इस तरह। मैं ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 16 फंदे जो हैं, 16 फंदों को आपस में घटा दिया। अब ये फंदा रहा, अब इस फंदे को मैं ऐसे धागा कट कर दूंगी। इस तरह ये हमारा बनेगा, ठीक है। अब ये साइड है, ये 16 फंदे रह गए। अब इन 16 फंदों को मैं बनाऊंगी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लड्डू गोपाल जी की निकर बनके तैयार हो गई है। अब हमने ये देखिए इस तरह यहां से सिलना है, ये देखिए यहां से सिलना है, इस तरह यहां तक सिलना है, यहां तक सिलना है। ये ऊपर वाला हिस्सा खुला रखना थोड़ा सा, और यहां तक सिलना है, ठीक है। मैं आपको सिल के बताती हूँ कि किस तरह इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह आपने इसे सिलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की जो निक्कर है ये मैंने सिल के तैयार कर ली है। ये देखिए सीधी कर ली है, और ये इसमें मैंने लड्डू गोपाल के लिए डोरी भी डाल रखी है, ठीक है, बांधने के लिए। ये देखिए इसकी निक्कर, अब हम इसको सिलेंगे, लड्डू गोपाल की ये ड्रेस सिलेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम रखेंगे इसको, ये देखिए इस कैप को हम हटा देते पीछे, इस तरह हम इसे रखेंगे इस तरह, ठीक है, इस तरह हम रखेंगे इसे। ये देखिए फिर इस तरह ये उल्टी करके इस तरह पकड़ेंगे हम, ठीक है, फिर हम इसे इस तरह पकड़ के इसे यहां से सिलेंगे, यहां से सिलेंगे और यहां से सिलेंगे दो तरफ से। ये देखिए यहां यहां सिलाई करेंगे और यहां सिलाई करेंगे, और ये जो टोपी है ना इसको हम फिर ऊपर से लगाएंगे, इस तरफ लगाएंगे इस तरह, जब सिल जाएगा ना ये इस तरह, ये देखिए तो इसको इस तरह सिलेंगे आधे में, ठीक है, ये इस तरह सिलेंगे, ठीक है, इस तरह, ये यहां से इस तरह यहां सिलेंगे आधे में, और आधा हिस्सा खुला रखेंगे, ठीक है। मैं आपको सिल के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां से सिलाई लगा ली, यहां से सिलाई लगा ली, और टोपी को भी मैंने इस तरह आधे में सिल लिया है और आधा छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसे सीधा करके देखती हूँ इस तरह, ये देखिए सीधा करके मैं देखती हूँ कि किस तरह ड्रेस दिख रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी लड्डू गोपाल की ऊपर कैप है, और ये हमारी डिजाइन है, ये ड्रेस है। देखिए फ्रेंड्स, तो
तो फ्रेंड्स आपको मेरी लड्डू गोपाल की ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स बेल आइटम जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, बाय बाय।